1 नवंबर को चाइना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एयर शो चाइना का आयोजन किया। इस एयर शो में चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली और नई जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर प्लेन चेंगदू J-20 को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। चेंगदू J-20 ने अमेरिका समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है। इस फाइटर जेट के बारे में दावा किया जा रहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है और इस फाइटर जेट को कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। इस फाइटर जेट को चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप ने बनाया है, जो चीन की सरकारी एयरोस्पेस कंपनी एविक की सहायक कंपनी है। चीन की शुहाई में आयोजित इस शो की शुरुआत में ही दो J-20 विमान मौजूद मेहमानों के ऊपर से कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज करते हुए गुजरे और सिर्फ 60 सेकंड की उड़ान में ही उन्होंने न सिर्फ मेहमानों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वहां मौजूद पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों के अलार्म भी जोर जोर से बजने लगे। J-20 के रूप में स्टेल्थ जेट डेवलप करना चीन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि वह हवाई तकनीक के मामले में काफी पीछे था और अब तक काफी हद तक रूसी विमानों पर निर्भर रहा है। इस फाइटर जेट से चीन भारत से आगे भी निकल गया है। दरअसल भारत ने अभी तक स्टेल्थ फाइटर प्लेन को विकसित नहीं किया है। साथ ही इस विमान के बूते चीन जहां एशिया में अपनी ताकत और बढ़ा पाएगा, वही अमेरिका की टक्कर में भी खड़ा हो पाएगा। दरअसल चीन को लगता है कि J-20 की मदद से उसकी और अमेरिकी के बीच सैन्य ताकत के अंतर को कम किया जा सकेगा। J-20 को अमेरिका के F-22 का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। F-22 को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है। चेंगदू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने समकक्ष स्टेल्थ फाइटरों की क्षमताओं के चश्मे से देखा जाएगा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि चेंगदू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर की मानिंद ही रडार को चकमा देने में कामयाब साबित होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि चीन के लड़ाकू विमान रडार को चकमा देने में अमेरिकी वायुसेना के लिए लॉकहीड F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों या लॉकहीड के ही F-35 से मुकाबला कर पाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।